नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस सरगर्मी के बीच अब बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार के 78 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बिहार के उन मतदाताओं से अपील की कि अपना वोट ज़रूर दें, वोट का प्रयोग अवश्य करें। तो इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके बिहार के मतदाताओं से अपील कर दी है और अपने ट्वीट में उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए और तंज कसते हुए बिहार के मतदाताओं से अपील की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज तीसरे चरण के चुनाव के बीच ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से और उन्होंने ट्वीट करके बिहार के मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। बिहार में तब्दीली की गंगा, गंडक और कोसी बह रही है, बदलाव उफान पर है, सुनहरे भविष्य, चहुमुखी विकास, विकसित बिहार, अमन, चैन कायम करने एवं व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आज अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। कास्ट योर वोट एंड कंपेनियन ऑफ चेंज। जी, आपने देखा किस तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट करके बिहार के उन मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वोट का प्रयोग अवश्य करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनावी प्रचार प्रसार जमकर किया। बिहार के कोने कोने में जाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभाएं की, जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह पहला ऐसा चुनाव है जहां पर शारीरिक तौर पर उनके पिता और आरजेडी के चीफ, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव उनके साथ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश के संन्यास वाले बयान पर भी उन पर टारगेट करते हुए उनको कहा, उन पर निशाना साधते हुए उनको कहा कि जो खुद राजनीति से संन्यास लेने जा रहा है उनको वोट करने के लिए बिहार के मतदाता क्यों करें, क्यों उनको वोट दें। साथ ही साथ अब उन्होंने तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले बिहार के मतदाताओं से अपील की है। साथ ही साथ अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार के मतदाताओं से ट्वीट करने की अपील की है। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।